श्री कृष्ण जी कहते हैं, वक्त और अपने दोनों को एक साथ चोट पहुंचाए तो लोग बाहर से नहीं बल्कि भीतर से टूट जाते हैं। वक्त और अपने दोनों को एक साथ चोट पहुंचाए तो लोग बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी टूट जाते हैं। दुख हमेशा पीछे देखती है और चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी इतना बुरा हो चुका है कि और भी कुछ बुरा हो जाए तो बुरा नहीं लगता, अब डर सा लगता है। उनसे जब कहते हैं कि यकीन करो कि मेरा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से प्रसन्न मन से समाधान कभी आपको नहीं दिखाई देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, शांत होकर देखिए, आपको सारी समस्याओं का हल देखने को मिलेगा। हालात सिखा देता है बातें सुनना और सहना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तब उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिन लोगों ने मिलकर बुलंदियों तक उसे पहुंचाया है, पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं। इसलिए दुख में, नाराजगी में, गुस्सा से झगड़ा करने में अपना समय को बर्बाद मत कीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरे को भी खुश रखिए। सफ़र छोटा ही सही लेकिन यादगार होनी चाहिए। सफ़र छोटा ही सही लेकिन यादगार होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, और रंगों को काला ही सही लेकिन वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काटे कर राख कर देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डाल देती है, ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब को भी हम देख सकें। जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, रिश्ते खून के नहीं बल्कि विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, पर अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सभी मिल भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।